मान लो कि YouTube में तुम एक वीडियो देख रहे हो, लेकिन सडनली तुम्हें ख्याल आता है कि ये वीडियो मैं क्यों देख रहा हूँ और क्लिक ही क्यों किया था। सिमिलरली इस फेस को तुमने शायद ही कभी देखा हो, फिर भी तुमने इस वीडियो में क्लिक किया है। अब किसी भी वीडियो में तुम्हारे क्लिक करने के पीछे दो रीजंस होते हैं, एक होता है उस वीडियो का थंबनेल, दूसरा होता है उस वीडियो का टाइटल। एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक थंबनेल्स लाइक प्रो एंड एक स्ट्रांग थंबनेल बनाने का पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। एक अच्छा थंबनेल बनाने से पहले तुम्हें मेनली दो चीजों पे फोकस करना है, पहला है डिजाइन, दूसरा है स्टोरी। ओके, तो डिजाइन करते वक्त तुम्हें सोचना है कि वीडियो का स्टोरी क्या है और स्टोरी के साथ कम्प्लीमेंट करता है ऐसा एलिमेंट अपने डिजाइन में यूज करना है। लाइक माई दिस थंबनेल, इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे तुम खुद का डुप्लीकेट रोल क्रिएट कर पाओगे, वो भी मोबाइल से। इसलिए सिमिलरली मैंने दो कैरेक्टर्स ऐड किया है जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, यही वीडियो के स्टोरी के साथ कम्प्लीमेंट करता है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने डुप्लीकेट रोल वाला टेक्स्ट ऐड किया है। और अपने थंबनेल में टेक्स्ट ऐड करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना कि टेक्स्ट का साइज बिगर हो और वर्ड लेस हो, क्योंकि एक यूजर जब यूट्यूब में स्क्रॉल करता है तो मोस्टली 2 सेकंड एक थंबनेल को देखता है, तो थंबनेल में अगर ज्यादा टेक्स्ट होगा तो मोस्टली वो नहीं पढ़ने वाला, सो वो वीडियो को स्किप कर देगा। आई ऑलवेज यूज बोल्ड फॉन्ट्स लाइक सैन सेरिफ, जो कि तुम्हें किसी भी एडिटर में मिल जाएगा। अदरवाइज तुम फॉन्ट्स के लिए इन वेबसाइट के यूज कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड आई ऑलवेज यूज ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्टी कलर, लाइक उसी थंबनेल पे मैंने येलो कलर का टेक्स्ट यूज किया है, बट बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है तो यहाँ पे टेक्स्ट ज्यादा रीडेबल नहीं है। पीछे मैंने ब्लैक बार्स का यूज किया है कॉन्ट्रास्ट के लिए। और कलर कॉन्ट्रास्ट पता करने के लिए तुम कलर व्हील का इस्तेमाल कर सकते हो, सो यू कैन इजीली यूज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाइक बैकग्राउंड में अगर ग्रीन कलर है तो यहाँ पे तुम रेड कलर का टेक्स्ट यूज कर सकते हो, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। और अगर तुम अपना फेस का इमेज यूज करते हो तो उसे ऑलवेज राइट साइड के 1/3 हिस्से में प्लेस करो। सिमिलरली तुम्हारा वीडियो अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में है तो प्रोडक्ट को ज्यादा एम्फसिस दो अपने थंबनेल्स में, लाइक प्रोडक्ट का इमेज ज्यादा एरिया कवर करेगा थंबनेल्स में। और अगर चाहते हो कि किसी भी वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को ज्यादा फोकस मिले तो उस टेक्स्ट को हमेशा बड़ा रखो। और थंबनेल अगर यूट्यूब ग्रो के बारे में है तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू प्ले विद व्यूअर्स इमोशन, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी। लाइक दिस थंबनेल के सहारा पर ये सर्कल्स किसने बनाए, तुम देख सकते हो कि कौन से इमोशंस पे हिट हो रहा है। कोई भी टॉपिक पे तुम वीडियो बना रहे हो उसके रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग इमोशन पे सोचो, और ऐसा करने के बाद देखना ऑटोमेटिकली एक विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। और जब दिमाग की बात आती है तो एक चीज़ भूल मत जाना कि इस वीडियो को लाइक कमेंट करना है। और अगर तुम मोबाइल से वीडियोग्राफी करते हो तो मेरी इस वाली वीडियो को चेकआउट करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।